अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यूपी सरकार का नेता निकला अपराध का मास्टरमाइंड, फिल्मी अंदाज में कर लिया एक ज्योतिषी का अपहरण। खुलासे के बाद बीजेपी परेशान और सपा आक्रामक। विपक्षी दलों ने एक बार फिर बीजेपी को घेरना किया शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं देते बन रहा जवाब। अपराध के फैलते प्रसार से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल। एक तरफ सपा नेताओं को बीजेपी नेता पानी पी पी कर कोस रहे थे, तो अब दूसरी तरफ सपा को एक बार फिर मौका मिला बीजेपी की बखिया उधेड़ने का। मध्य प्रदेश के ज्योतिषी के कानपुर में अपहरण को लेकर बवाल मचा हुआ था, पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो हर किसी के होश उड़ गए। गजब की बात यह है कि जिस पार्टी के लोग बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करते हैं, उसी पार्टी के एक नेता को मामले में संलिप्त पाया गया। फिर क्या, विपक्ष को बैठे बिठाए प्रदेश की सरकार के मातहतों ने एक मौका दे दिया कि लीजिए आप भी सरकार पर कटाक्ष कर लीजिए, क्योंकि अकेले आपके ही नेताओं पर सवाल उठाने का ठेका प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के पास थोड़े ही है। मामले का खुलासा होने के बाद बीजेपी नेताओं को सांप सूंघ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। ऐसे में फिर से लोग चुटकी लेने लगे हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि जवाब देने की जरूरत क्या है, आपके पास तो कुतर्कियों की पूरी फौज मौजूद है, उतार दीजिए मैदान में। दरअसल जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के खंडवा के थाना रामनगर चिरखदान का मामला है। यहाँ के रहने वाले ज्योतिषाचार्य सुशील तिवारी का अपहरण कानपुर में तब हो गया जब वो एक चमत्कारी बक्सा देखने के लिए यहाँ पहुँचे थे और होटल में रुके हुए थे। बक्सा देखने के लिए बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री सत्यम चौहान ने उनको फोन पर संपर्क किया था और कानपुर आकर बक्सा देखने का अनुरोध किया था। सुशील तिवारी ड्राइवर के साथ गाड़ी से कानपुर पहुंचे, जहां होटल के कमरे से उनको अगवा कर लिया गया, जिसके बाद उनकी पत्नी से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई और रुपए न देने की स्थिति में गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। मामले में पुलिस ने जाल बिछाया तो बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री सत्यम चौहान की सत्यता के ऐसे प्रमाण मिले कि हर कोई हैरान रह गया। फिलहाल ज्योतिषी सुशील कुमार ठीक हैं और सत्यम चौहान अपनी सत्यता के प्रमाण पुलिस के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई सक्रिय है तो वो है विपक्षी दल। सपा समेत कांग्रेस भी अब प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रही है और मामले में जमकर निशाना साधा जा रहा है। खासकर बात की जाए कानपुर की तो विकास दुबे के बाद अब ये मामला कई सवाल उठाता है और पुलिस की कार्यशैली कटघरे में आ रही है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि सत्ताधीशों के दावे इतने खोखले साबित क्यों हो रहे हैं और क्यों उन्हीं के नेता सत्ताधारियों की नैया डुबोने का प्लान बना रहे हैं। आवाम के सामने मिसाल बनने का दावा करने वाले मिसाल तो बन रहे हैं, लेकिन ये छवि सकारात्मक ना होकर नकारात्मक बनती जा रही है और जो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।